हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शक्तिपीठ माता धूमावती की जयंती बड़ी हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से जागरण का आयोजन किया गया और श्याम फ्रूट कंपनी सब्जी मंडी कांगनी की ओर से विशाल लंगर का आयोजन किया गया। माता धूमावती की जयंती के शुभ अवसर पर गोविंद ठाकुर वन परिवहन एवं खेल मंत्री ने भी अपना माथा टेका और माता के जयकारों का आनंद लिया। इस मौके पर ठाकुर ने इको टूरिज्म के तहत 10 लाख और 25,000 धूमा देवी ग्राउंड को 4 लाख देने की घोषणा की। इससे पहले गोविंद ठाकुर का लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मंदिर कमेटी अध्यक्ष जालम सिंह ठाकुर ने माता की चुनरी और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर हजारों लोगों ने मंदिर में अपनी हाजिरी भरी। सोलन में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सोलन में एक निजी कार्यक्रम में आए और उन्होंने यहां शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनकी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और क्या सुविधाएं वे विद्यार्थियों को प्रदान करने जा रहे हैं इस बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा है, जिसके लिए उन्होंने सत्ता में आते ही शिक्षा नीति वेबसाइट पर डाल दी गई है। उन्होंने बताया कि कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों से भी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वे सब कुछ छोड़कर गंभीरता से मंथन कर रहे हैं कि वे विद्यार्थियों को बेहतरीन आधारभूत ढांचा किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के हर जिले में जल्द ही वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ सवाल जवाब भी कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी संस्कृत बोल पाए, इसलिए जल्द ही संस्कृत की लैब भी आरम्भ करने जा रहे हैं। सोलन में आग लगातार अपना तांडव दिखा रही है। जहां एक ओर जंगलों की आग बेकाबू हो रही है, वहीं ये आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। सुखद बात ये है कि इसमें अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लाखों की वन संपदा और निजी संपत्ति इस आग की भेंट चढ़ चुकी है। ये आग सोलन की हर दिशा में लगी हुई है, लेकिन दमकल विभाग भी मुस्तैदी से आग को बुझाने का कार्य कर रहा है। दमकल विभाग का सराहनीय कार्य ये है कि कम कर्मचारी होने के बावजूद भी करोड़ों की संपदा को खाक होने से बचा लिया है। अधिक जानकारी देते हुए दमकल अधिकारी राजा राम ने बताया कि अभी तक सोलन में 27 बार आग लग चुकी है। इस आग में 9,06,000 रुपए की वन संपदा और 1,08,00,000 की कार इस आग की भेंट चढ़ी है। उन्होंने बताया कि अभी तक दमकल विभाग ने करीबन 5,04,72,000 रुपए की वन संपदा को जलने से बचाया है। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की है कि वे अच्छी घास के लालच में जंगलों को न जलाएं। प्रदेश में तपती गर्मी से आहत लोगों के लिए अब राजधानी शिमला में राहत मिलने लगी है। मंगलवार को दोपहर 4:30 बजे शिमला में बारिश शुरू हुई, जिससे बढ़ते तापमान पर ब्रेक भी लग गई। हालांकि मंगलवार को राजधानी शिमला का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन दोपहर बाद हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद काफी राहत मिल गई। मौसम विभाग केंद्र शिमला से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को शिमला, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर सहित कुछ स्थानों पर बारिश हुई। बुधवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी तरह से 16 और 17 जून को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 23 जून के बाद मानसून की दस्तक हो सकती है, उससे पहले प्रदेश को तपती गर्मी से गुजरना पड़ेगा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मंगलवार को भी तापमान में गिरावट नहीं आई। ऊना का तापमान 44 पार ही रहा। यहां तक कि जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में भी इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इन क्षेत्रों में पर्यटक
सैर का आनंद ले रहे हैं। किन्नौर में 24.7 और लाहौल के केलांग का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में बीती रात को करीब 1:45 पर फागली में एक पिकअप में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसके पास खड़ी एक अन्य कार व मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आधी रात अपूर्व ठाकुर अपने घर की तरफ जा रहा था, जैसे ही ये फागली हवा घर के पास पहुंचा तो देखा कि एक पिकअप में आग लगी हुई है। वे उसके साथ अन्य कार और मोटरसाइकिल में भी आग लगी हुई है। उसने उन गाड़ियों के साथ अन्य गाड़ियां खड़ी हुई थी। अपूर्व ने साथ खड़ी गाड़ी मालिकों को, जिनके मोबाइल नंबर गाड़ी में लिखे हुए थे, को फोन करके सूचना दी। गाड़ी मालिकों ने हवा घर फागली के साथ खड़ी गाड़ियों को वहां से हटाया और इसकी सूचना बालूगंज थाना को दी गई। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। पिकअप नंबर HP 560067, कार नंबर HP 130051 वो मोटरसाइकिल नंबर HR03F3637 इस आगजनी की भेंट चढ़ गई है।